ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि रुबीना जलायक ने दिया बिग बॉस को अल्टीमेटम, तो बिग बॉस ने मांगी है माफी। आखिरकार क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर, स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। वेल, आपको बता दूं कि ऐसी खबरें आ रही हैं, देखो इसकी कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिग बॉस मेकर्स ने मांग ली है रुबीना जलायक से माफी इस वीकेंड के बाद के लिए। यहाँ पर रुबीना जलायक जो है कन्फेशन रूम में जाती है, कन्फेशन रूम में जाकर बिग बॉस से बात करने के लिए बड़ी इच्छुक होती हैं और बिग बॉस जो है उनसे बात नहीं करते हैं। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने तक जब भी रुबीना जलायक बिग बॉस की कन्फेशन रूम से नहीं जाते हैं तो बिग बॉस राजी हो जाते हैं उनसे बात करने के लिए। और रुबीना जलायक जो है वो अपनी सारी बात कहती है कि बिग बॉस आप लोगों ने मेरी पूरी इमेज खराब करके रख दी, मेरी उस फिंगर का मतलब तो वो था भी नहीं जो आप लोगों ने मुझे बोला या बताया या जताया गया है। इस वीकेंड के बाद में मुझे इतना सुनाया गया और अगर अब आप लोगों को ऐसे ही करना है, ऐसे रहना है, तो आई एम डन विद इट, मुझे इस शो में नहीं रहना है। जी हाँ, ये बात खुद कही है रुबीना ने कि मुझे इस शो में नहीं रहना है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अब देखो दो चीजें हैं, अगर आप मेकर्स की तरफ से अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल, तो बिग बॉस के घर की जान कौन है, रुबीना जलायक और राहुल वैद्य। देखा जाए तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं, फैन फॉलोइंग है, बचाते हैं लोग, इतना तो ना तो जैस्मिन, ना एली, ना अभिनव, ना अर्शी, ना खुद राखी सावंत, किसी की फैन फॉलोइंग नहीं है, जितनी की हर चीज जो है जुड़ी हुई कहीं ना कहीं रुबीना से मिल रही है या राहुल से मिल रही है। अगर रुबीना को टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी बढ़ती है, राहुल को टारगेट करते हैं तो पॉपुलैरिटी बढ़ती है। अब ऐसे में जहां मेकर्स को इस बात का अंदाजा हुआ कि यार पहले भी राहुल वैद्य शो छोड़ के जा चुके हैं, देखो राहुल वैद्य अपने आप से कहते टीआरपी स्टंट था नहीं मालूम है, लेकिन शो छोड़ के गए तो उस दिन की टीआरपी जो थी वो अच्छी खासी आई थी, देन उसके बाद भी ये टीआरपी गिर गई थी। अब यहाँ पर वापस से वही खेल जो है वापस घूमता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में बिग बॉस ने अब जो है रुबीना से माफी मांगी और रुबीना से कहा है कि हम अब ऐसा आगे से नहीं करेंगे। इनफैक्ट रुबीना से लगातार बातचीत चल रही है इस मामले में कि रुबीना को घर में कैसे रोका जाए। अब आप लोगों का क्या है कहना, क्या आपको लगता है मेकर्स ने ऐसा किया होगा या नहीं, वेल राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।